हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में शुरू करते हैं टॉप एमसीक्यूज सेट नंबर 7 यानी कि 7 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह वन लाइनर से। कुल मिला के 6 प्रश्न होंगे, इसका जवाब आपको एक ही जगह पर देना है और उसके बाद आज के जो एमसीक्यूज हैं वो स्टार्ट होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इवन मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं, आपको बताना है कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं। दूसरा सवाल होगा, विलियम किर्क इंग्लिश का हाल ही में निधन हो गया है, तो वो किसके लिए जाने जाते थे, किस क्षेत्र से वो संबंधित थे। अभी हाल ही में एक किताब आई है, नाम है इसका रा, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस। तो ये जो किताब है वो किसने लिखी है, ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल है, किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हो गया है, ओम प्रधान, तो आपको बताना है कि ओम प्रधान किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। और टिकटॉक जो है वो अपना जो डेटा सेंटर है वो ले जा रहा है यूरोप में, तो यूरोप में किस देश में अपना डेटा सेंटर बनाएगा टिकटॉक, ये आपको बताना है। और ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप, और ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप ये किस प्रदेश ने लॉन्च किया है, यहाँ पर देश हो गया है, सही जवाब होगा कि किस प्रदेश ने, एक्चुअली में यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको बताना है कि ई ज्ञान मित्र किस केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो ये हो गए कुल मिला के 6 प्रश्न, आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला सवाल है, इवन मॉर्गन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं और ये हैं इंग्लैंड के, ये आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और विलियम किर्क ये एक वैज्ञानिक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये एक साइंटिस्ट थे यानी कि वैज्ञानिक। रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन, ये जो किताब है वो लिखी गई है यतीश यादव के द्वारा, तो ये भी आप याद रखना, कई बार किताबें जो होती हैं वो पूछी जाती हैं, यतीश यादव ने लिखी है रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन। चौथा सवाल था कि किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का निधन हो गया है, सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अब बात यहाँ पर आ रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क है जो कि कई बार पूछा जाता है, जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है, तो नाम ऐसा पक्के पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क है, ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखना, नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में। टिकटॉक जो है वो अपना यूरोपीय डाटा सेंटर किस देश में खोलने वाला है, तो सही जवाब इसका बनेगा टिकटॉक जो है आयरलैंड में खोलने जा रहा है। और ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप, तो ये जो मोबाइल ऐप है वो जारी किया जाएगा, यानी कि जिस केंद्र शासित प्रदेश ने इसे जारी किया है वो है दादरा नगर हवेली, तो ये आप याद रखना दादरा नगर हवेली। तो ये हो गए 6 प्रश्न, अब आइए एमसीक्यूज देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जापान ने हिरोशिमा दिवस का 75वां यानी कि 75 साल जो है वो पूरे हो गए हैं और अमेरिका ने जापान पर जो बम गिराया था परमाणु बम, उसकी 75वीं वर्षगांठ पूरी हो गई है। और ये जो बम गिराए गए थे, पहली बार गिराया गया था 6 अगस्त को, उसके बाद 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम जो था वो गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का हमला हुआ था। ये हमला बहुत ही जबरदस्त था, इसकी वजह से कुछ ही पलों में 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दूसरी बार 9 अगस्त को जब हमला हुआ तो 9 अगस्त को गिराया गया था फैटमैन और लिटिल बॉय गिराया गया था 6 अगस्त को। तो ये 2 परमाणु हमले हुए थे और दोनों में मिलाकर लगभग 1,20,000 लोगों की मौत हुई थी, 120,000 लोगों की। और उसके बाद आप जानते हैं कि आगे चलकर जो स्थितियां बनी वो बहुत ही मतलब हृदय विदारक थी और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कौन सा देश सिक्के जारी करने जा रहा है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, तो 2019 में ही कुल मिला के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो अब यानी कि 2020 में ब्रिटेन भी अब श्रद्धांजलि देने जा रहा है महात्मा गांधी को और ब्रिटेन एक सिक्का जारी करने वाला है। तो 2019 में जो बड़ी घटनाएं हुई थी उसमें बता दें आपको कि रूस ने महात्मा गांधी के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था
और भारत ने 150 रुपए का स्मारक सिक्का जो कि चांदी का था वो जारी किया था, और साउथ अफ्रीका में साइकिल रैली निकाली गई थी, और अब यानी कि 2020 में ग्रेट ब्रिटेन में रॉयल मिंट द्वारा सिक्का जारी किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखना। हाल ही में जॉन ह्यूम का निधन हो गया है, लंबी बीमारी थी और 83 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। तो उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? जॉन ह्यूम को जो नोबेल मिला था वो मिला था 1998 में, और उन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जॉन ह्यूम का जो संबंध है वो उत्तरी आयरलैंड से, उत्तरी आयरलैंड के वो एक राजनेता थे। हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए, जो यूनिकॉर्न कंपनियां होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारत की जो सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है वो पेटीएम मानी जाती है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी होती हैं और जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा होती है उन्हें यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 लिस्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल 586 यूनिकॉर्न हैं, और ये यूनिकॉर्न 29 देशों के 145 शहरों में बिजनेस कर रहे हैं। भारत में जो मैक्सिमम यूनिकॉर्न है वो बिजनेस कर रहे हैं बेंगलोर से, और इस साल इसमें 92 की बढ़ोतरी हो रही है। औसतन इन यूनिकॉर्न की उम्र 9 साल है, यानी कि ये जो कंपनियां हैं वो लगभग 9 साल से पूरी दुनिया में अपने अस्तित्व में है, और इनका जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है 1 बिलियन से ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं। सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है वो अमेरिका में है, और अमेरिका में कुल मिला के 233 यूनिकॉर्न है, चीन में 227, और उसके बाद नंबर आता है ब्रिटेन का, और चौथे स्थान पर है भारत। भारत में कुल 21 यूनिकॉर्न है, ये भी आप याद रखना, और 21 जो यूनिकॉर्न है उसकी कुल वैल्यू है 73.2 अरब डॉलर। तो यहां पर जो सवाल बनेगा, हुरून वैश्विक यूनिकॉर्न सूची 2020, तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है 4th, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उम्मीद करता हूं कि अब आप अच्छे से यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में समझ गए होंगे, और प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थान पर जो देश हैं उसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो अभी हाल ही में जीसी मुर्मू जी जो कि उपराज्यपाल थे, देखिए यहां पर राज्यपाल थे, उपराज्यपाल, तो उनको जो है अब सीएजी बना दिया गया है, और वो स्थान लेंगे अब राजीव महर्षि का। तो वर्तमान में मनोज सिन्हा बन गए हैं जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। आर के माथुर जो है ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। और किरण बेदी ये कहाँ के हैं ये आप बताइए, बहुत आसान है। किस बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इसको कहते हैं, तो AI बेस्ड वॉयस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक द्वारा। एक्सिस बैंक का पहले शुरू में जब एक्सिस बनी थी, कब बनी थी, 1994 में, और इसका तब नाम हुआ करता था UTI। UTI बैंक का नाम बाद में चलकर एक्सिस बैंक हो गया। तो एक्सिस बैंक के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं राकेश मखीजा। परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP जारी करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? सही जवाब इसका बनेगा हरियाणा। देखिए, ये जो कार्ड है PPP परिवार पहचान पत्र, इसमें परिवार को एक यूनिट माना गया है, ये आधार से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आधार में कितने नंबर होते हैं ये आप बताएंगे मुझे कि आधार में कुल मिला के कितने डिजिट होते हैं, आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं। फिलहाल PPP में जो 8 डिजिट जारी किए जाएंगे वो आपकी पहचान बनेंगे, यानी कि हर परिवार को 8 डिजिट का एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसके लिए हर परिवार को पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना वो कंपलसरी कर दिया गया है। और बात करेंगे अगर हम हरियाणा की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज IIT खड़गपुर को। तो ये आप याद रखना कि गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से IIT खड़गपुर को सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आज के टॉप MCQs। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।